नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसदन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने चारों धाम में प्रतिबंध के साथ यात्रियों की निर्धारित से अधिक को जाने और दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बेरोक टोक चारधाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराना सुनिश्चित करना होगा। कोर्ट के आदेश से सरकार को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद देहरादून वापस आकर प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए चार धाम के लिए जारी एसओपी का पूरी तरह से पालन करें। यात्रा पर निकलने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज और कोविड 19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को साथ जरूर लेकर आए। फिर से हम सरकार माननीय न्यायालय में गई और आज उस पर भी कोर्ट का निर्णय आ गया है और अब यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। और हमारा मत है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का विशेष रूप से हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर जैसे अतिथि आते हैं उस प्रकार का हम लोग उनके साथ व्यवहार हो, इसको सुनिश्चित किया जाए और अच्छी व्यवस्था हो। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। चारधाम यात्रा पर लगी सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है और इसी को लेकर अब सरकार को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं बीआईपी न्यूज। जनसदन में आप सभी का स्वागत है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाती है, औरतों का रोजगार जुड़ा हुआ है। हरि के द्वार, हरिद्वार से जब आप चलते हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश से लेकर के आप बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम, ये जितनी चारों धाम है वहां पे जितने स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार, 6 महीने की यात्रा होती है। इस 6 महीने में 3 महीने मौसम की मार होती है और 3 महीने ही ऐसा होता है जब वो कायदे से अपने जिस भी धंधे से लगे हैं उस धंधे को कर पाते हैं और उस 3 महीने से वो पूरा 1 साल का अपना खर्च चलाते हैं। कोविड का प्रकोप होता है और उस कोविड के प्रकोप में चार धाम यात्रा पे हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई जाती है। रोक लगाने के बाद स्थानीय लोगों में उसको लेकर के बड़ा रोष होता है। एक तरफ पूरे प्रदेश में मौसम की मार है, बारिश चरम पे है, दूसरी तरफ आज देहरादून में हुंकार रैली निकलती है, बहुत लोग नाराज हैं, कई संगठन एक साथ मिलकर के सचिवालय कूच करते हैं। तीसरी तरफ बहुत से संगठन आज सड़कों पे थे, आंदोलन कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। मामला था लखीमपुर खीरी। इन सब के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, केदारनाथ की यात्रा करके आते हैं, जाते हैं, वहां पे निर्माण कार्यों का जायजा लेते हैं और उसके बाद आ करके वो बताते हैं कि केदारनाथ में जो काम चल रहा है क्या स्थिति है, कितने धन वहां पे स्वीकृत किए गए हैं, कितने धन प्रस्तावित है। इन सब के साथ विषय ये महत्वपूर्ण होता है कि जो चार धाम यात्रा आज खोली गई है उस चार धाम यात्रा को क्या सुचारू रूप से आने वाले समय में चलाया जा सकता है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री सुभाष भरथवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सुभाष भरथवाल जी। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ अन्ना टीम के, आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि अन्ना टीम के एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं, भोपाल सिंह चौधरी, जो कि पूरे देश में आंदोलन में अन्ना जी के साथ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कई और मुद्दों पर, लेकिन उत्तराखंड के हैं तो चारधाम यात्रा पे उनसे राय जरूर बनती है। भोपाल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। मामला चारधाम का है तो चारधाम पे आज पॉलिटिकल कोई चर्चा नहीं होगी, इसलिए हमने एक स्थानीय व्यक्ति जो कि केदार घाटी से आते हैं उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि 13 में आपदा के बाद जिस तरह से वहां की स्थिति में सुधार हुआ था,
फिर उसके बाद पिछले वर्ष कोविड ने जो अपनी ग्रिप वहां पे बनाई, जिस तरह से वहां के लोगों का रोजगार चौपट हुआ, फिर वहां पे कोविड के प्रकोप को खत्म करते हुए रोजगार धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो स्थानीय लोगों की हकीकत स्थिति क्या है ये बताएंगे प्रदीप राणा जी केदार घाटी से। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप। सबसे पहले हम प्रदीप जी के पास ही चलते हैं। प्रदीप राणा जी, आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता है, आप ऐसी जगह से आते हैं जहां का व्यक्ति हकीकत पहाड़ की बता सकता है। आज क्या उत्साह है जब पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी गाइडलाइन के साथ यात्रा की जाएगी, हाई कोर्ट के निर्णय का पालन किया जाएगा और यात्रा पूरी तरह से खोली जाएगी, स्थानीय रूप से आपका इस पे क्या कमेंट है? तो मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने की स्वयं वहां पहुंचकर पूरे केदार घाटी के जितने भी स्थानीय लोग थे, पूरे देश भर के जितने भी श्रद्धालु थे, उनको एक तोहफे के रूप में जो बंदी से लगी थी देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट में जाके पहले आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना पड़ेगा। इससे काफ़ी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि समस्याएं ये थी कि आगामी 15 अक्टूबर तक जो वेबसाइट थी वो पूरी हो चुकी थी, लोग काफ़ी परेशान थे। और ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है हमारे उत्तराखंड के माननीय युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, क्योंकि जो वहाँ की एक प्रदीप जी हम आपको रोकेंगे, इसलिए रोकेंगे क्योंकि ये निर्णय पुष्कर सिंह धामी का नहीं है, गोपाल सिंह चौधरी का। क्या ये आपको लगता है कोर्ट के कहने पे जो यात्रा खोली गई है पुष्कर सिंह धामी का उस पर कोई रोल हो सकता है, इस तरह का क्रेडिट? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो कई बार 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 मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं इस प्रदेश के अंदर जी। जब कभी भी किसी देश के अंदर पार्टी तंत्र हो जाता है तो देश पार्टी से चलता है, जनता से नहीं चलता है। और ये पार्टियां चलाती है, ये जो पार्टियां होती है ये सीएम नहीं होते, ये सीएम नहीं होते, ये जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं इनके, जो ऊपर से निर्देश होता है वो ये लोग करते हैं, वो मैं चाहे भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं। तो अभी क्या हुआ कि आपने देखा होगा तीन तीन मुख्यमंत्री बदल दिए इन लोगों ने एक साथ। जब तक एक मुख्यमंत्री प्रदेश को समझ पाता है कि मुझे अब ये काम करना चाहिए, ऐसे यात्रा खोलना या नहीं खोलना, कोविड को कैसे रिकवर करना, ये सारी चीजों को जब तक उसके दिमाग में आता है तब तक ऊपर से इनका हाई कमांड पार्टी तंत्र जो है उस मुख्यमंत्री से नाराज हो जाता है। हो सकता है कि किसी बड़े नेता की बात को उस मुख्यमंत्री ने नहीं मानी होगी तो उसे तुरंत बुलाता है। तुझे चौधरी साहब, ये तो एक पार्टी का अंदरूनी मामला है, वह सरकार ने उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, तो जैसे चाहे चलाए। मैं आपके पास लौटूंगा और आपकी इस बात को फिर आगे बढ़ाऊंगा। सुभाष बर्थवाल जी, नो डाउट मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं, केदारनाथ का दौरा करते हैं और जिस तरह से वहां पे केदारनाथ के लिए 409 करोड़ का कार्य प्रस्तावित की बात करते हैं, 225 करोड़ बताते हैं कि का काम पूरा हो चुका है, 114 करोड़ का कार्य निर्धारित वहां पे निर्माणाधीन है, उसी तरह बद्रीनाथ में बताते हैं कि 245 करोड़ का कार्य प्रस्तावित है और चारों धाम के लिए 708 करोड़ रुपए का जो वहां पे व्यवस्था की गई है, इन सब को जो आज जिस तरह से बताया गया, क्या उसे चुनावी मूड में देखा जाए या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री, युवा जो इस चार धाम से युवा रोजगार से जुड़े हुए हैं उनके लिए चिंतित थे और उनके लिए प्रयास किया, इसलिए आज इस तरह की बात सामने आ रही है। देखिए किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री होगा उसके लिए तो 24 घंटे जो है महत्वपूर्ण होते हैं और हर 24 घंटे जो है मुख्यमंत्री को जनता के कल्याण के लिए सोचना होता है जी। वो चाहे केदारनाथ से जो है धार्मिक पर्यटन के रूप में जो है लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्राप्त हो, चाहे सरकारी नौकरियों के रूप में अवसर प्राप्त हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में जो है किसी प्रकार के प्रतिबंधात्मक चीजों को समाप्त करके जो है राहत देने के रूप में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होते हों, तो 24 घंटे जो है एक जो है सृजनशील मुख्यमंत्री को करना ही होता है। और पुष्कर सिंह धामी तो युवा मुख्यमंत्री हैं, वो तो आए ही जो है यहाँ पर लोगों के आंसू पोंछने के लिए हैं, वो तो नौजवानों के, महिलाओं के, हमारे किसानों के, कर्मचारियों के, तमाम जो है अलग अलग वर्गों के लोगों के हितों की
के पोषण के लिए जो है कृष्णकर बोरकर होकर जो आए हैं और भेजे गए हैं पार्टी हाईकमान के द्वारा। तो मैं सोचता हूँ कि केदारनाथ जाकर उन्होंने जो है एक तरह से इस दिशा में जो प्रयास जो है इस प्रदेश के अलग अलग वर्गों के कल्याण के लिए जो है काम हो रहा है उसमें एक उनका कदम है वहां जाकर तीव्र गति से जो बद्री केदारनाथ निर्माण में जो तमाम के तमाम प्रयास चल रहे हैं उन पर किस प्रकार से और अच्छा पुख्ता कम समय में जो है उन प्रयासों को सार्थक जो है लक्ष्य तक पहुंचाया जाए इसके निमित्त तो वो वहां केवल चुनाव से जोड़कर देखना मैं समझता हूँ। चुनाव से जोड़ के कुछ ऐसे बिंदु है जिसपे ध्यान वहां तक जाना चाहिए। अभी हम प्रदीप जी के पास चलेंगे, वहां पे डीएसएफ ने बहुत अच्छा काम किया था, मैं आपके पास लौटूंगा और उस विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। प्रदीप राणा जी, जो निर्णय आज हाई कोर्ट ने दिया, सरकार ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया कि कोविड के तहत, हाई कोर्ट बार बार कहती थी कि आप हमें बताइए कि आप यात्रा कैसे करना चाहते हैं, आज जो काम हुआ है क्या वो 3 महीने पहले नहीं हो सकता था? बिल्कुल 3 महीने पहले हो सकता था, लेकिन उस समय की स्थिति कुछ और थी। पूरे प्रदेश में हमारे पहाड़ों में विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हर जगह मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराना भी संभव नहीं था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पिछले साल भी सभी जानते हैं कि कोविड काल था, लेकिन 1 महीने के अंतराल में पिछले साल भी जो यात्रा चली थी स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वो रही थी। लगभग सभी लोगों को जितना हो सका था एक सीमित मात्रा में रोजगार मिला था, और वही इस बार उत्तराखंड की सरकार ने करना चाहा है। जरूर इसका फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि उत्तराखंड जो हमारा प्रदेश है पर्यटक आधारित प्रदेश है, तो ये यात्रा केवल केदारनाथ से इसको जोड़ के ना देखी जाए। इससे अगर जो लाभ मिलना है वो ऋषिकेश जितने रास्ते में जितने पड़ाव पड़ते हैं लगभग हर जनपद को इसका लाभ मिलेगा और पूरे उत्तराखंड को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन प्रदीप जी, एक देवस्थानम बोर्ड को लेकर के वहां लोग आंदोलित भी हैं, स्थानीय रूप पे आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? बिल्कुल, देवस्थानम बोर्ड जो है कि सरकार का अभी तक इस पे यही कहना है कि जो देवस्थानम बोर्ड बन रहा है वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं जो हकदार हैं उनके हित के लिए बन रहा है। इससे हम और ज्यादा विश्व स्तरीय जो फैसिलिटीज होती हैं वो यात्रियों को दे पाएंगे। जितने भी हमारे बाहर से आगंतुक आते हैं चाहे वो VIP हो चाहे एक न्यून स्तर का हो, सभी को हम एक विश्व स्तरीय वहाँ पर सुविधाएं दे पाएंगे। अभी तक तो जो सरकार की मंशा है देवस्थानम बोर्ड को लेकर यही है, और जरूर पूरे क्षेत्रवासियों को और सभी को उत्तराखंड वासियों को जो चार धाम में रहते हैं सबको इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सरकार इसको एक विश्व स्तर पर इसको चार धाम को पूरी तरीके से स्थापित करना चाहती है। चलिए चलिए ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं। गोपाल चौधरी साहब, अन्ना जी पूरे देश में आंदोलन करते हैं और पूरे देश में सुधार की बात करते हैं, आप अन्ना टीम के हैं, आज आपने एक अनशन किया है, एक सत्याग्रह का रूप दिया है, सामने लेकर के आए हैं, और आपने कहा कि अन्ना अब एक नई पार्टी बना रहे हैं, तो ये नई पार्टी की जो शुरुआत हो रही है, तो क्या उस नई पार्टी की शुरुआत में अन्ना जी का ध्यान उत्तराखंड की भी समस्याओं पे रहेगा? ये पार्टी नहीं है, ये जो बनाने जा रहे हैं एक संगठन बनाने जा रहे हैं, ये एक गैर राजनीतिक संगठन होगा और इसमें पूरे देश के जो सामाजिक संस्थाएं होंगी वो सामाजिक संस्थाएं इस संगठन से जुड़ेगी, अन्ना जी के साथ में जुड़ेगी, उनका एक समन्वय बनेगा और वो समन्वय पूरे देश में फैलेगा, और जब जब देश को जरूरत पड़ती है अन्ना की तो अन्ना जी बाहर आएंगे। और जो कि आप देख रहे थे अभी बीच में उत्तराखंड के अंदर एक आल वेदर रोड बनाई गई थी, आल वेदर रोड के अंतर्गत आपने देखा होगा कि कई दिनों तक आजकल जब से वो रोड बनी है वहां पे हमेशा जाम ही जाम रहता है कि आज ही 3 दिन बाद खुलेगी, 4 दिन बाद खुलेगी, और हजारों लाखों पेड़ काट दिए, इतना मलबा गंगा जी के अंदर डाल दिया गया था। इस चीज को लेके हम लोग पूर्व में ही आल वेदर रोड बनाए, हम लोग विकास तो चाहिए ना। हाँ, विकास में इससे तो आप ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप पहाड़ विरोधी हो जो आप कह रहे हो कि ऑल वेदर रोड नहीं बनना चाहिए था, पेड़ नहीं कटना चाहिए था, ये तो मतलब अब एक विकास सरकार ने सोचा है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। पहाड़ के कोई विरोधी नहीं है, पहाड़ के विरोधी नहीं है,
पहाड़ के पक्षधर इसलिए हैं कि चार चार दिन तक रोड जाम है, पहाड़ के पक्षधर हैं कि रोड जाम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बरसात का कोई भी क्या कर सकता है, कोई बरसात पहले भी होती रही है, पहले भी होती रही है, पहले रोड इतना खुला नहीं था, अब आप देहरादून से इतने दिनों तक। मैं थोड़ा सा आपसे बता दूं कि मैं किस मुद्दे पे बात करना चाह रहा था, मैं अन्ना जी की आपसे बात हुई थी, अन्ना जी के बारे में बताना चाह रहा था। आपका एक मुद्दा था रोड नहीं बनना चाहिए था ऑल वेदर रोड, उस पर हमने आपको ठीक है, आप जो है कि विकास के पक्षधर, हम विकास के विरोधी बोलते हैं आप लोग, और कई बार हमारे घर के अंदर नारे लेकर कई लोग आए भी, जीबी के कंपनी जो श्रीनगर में बांध वाली निर्माण संस्था वो भी मेरे घर के अंदर आई, मुर्दाबाद के मेरे नारे लगाए उन लोगों ने, लेकिन आज वो सारे लोग पछता रहे। तो आज की क्षेत्र की जनता रही उसकी बात, मैं आपको थोड़ा सा वहां ले जाना था कि हम लोग कोर्ट में, हम लोग जब धरने में बैठे तो हमको उठा के सरकार ने जेल भेज दिया, जेल से छूट के आते हैं तो उसके बाद हम लोग कहते हैं अब क्या होगा, तो आखिरी में हम किस पे जाएं, आखिरी में अंत में क्या होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय पे हम लोग जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम रिट डालते हैं और वहां हम लोग जीत जाते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय देखता है कि इतना नुकसान, इतना बड़ा पहाड़ खत्म कर दे इन लोगों ने, पर्यावरण खराब कर दे इन लोगों ने, तो उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय में जब हम लोग जीत जाते हैं, ऑल वेदर रोड का कार्य बंद हो जाता है कुछ दिनों के लिए, हो जाता है। जब ऑल वेदर का रोड कार्य बंद हुआ तो सरकार कहती है कि ठीक है हम सर्वोच्च न्यायालय का पालन करते हैं और हम वहां पर काम बंद कर देते हैं। सरकार ने उठाया, काम बंद कर दिया, लेकिन एक कोर कमेटी बुलाई सरकार ने, अपनी टीम बुलाई, कैबिनेट बुलाई, और वहां पे उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि भाई उस ऑल वेदर रोड को कोई नहीं छेड़ेगा, अब ऐसा करो कि एक वहां पे बोर्ड लगा दो, चार धाम परियोजना। अब वो कोई रोड भी वही होती है, सब कुछ वही है, तो चार धाम परियोजना के नाम से वो कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद अन्ना पे जाते हैं, अन्ना देखो पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई थी भाजपा की, हम लोगों ने मोदी जी को बैठाया था उस टाइम पे, दो अन्ना की टीम ने इनको कहा था, क्योंकि वो सरकार गलत काम कर रही थी, और लेकिन अब हम लोग किस पे जाए, सर्वोच्च न्यायालय भी इनका है, राष्ट्रपति भी इनका हो गया, उपराष्ट्रपति भी इनका हो गया, राज्यसभा में बहुमत हो गया, लोकसभा में, तो अन्ना ने कहा कि यही तो हम लोगों ने गलती कर दी, हमने पूरा की पूरा पक्ष दे दिया, विपक्ष रखा ही नहीं। आप ये बार बार जो आरोप लगता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ही सारे जितने संस्थान है उस पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे का आरोप, क्या पहली बार ऐसा लग रहा है? 70 वर्षों के तक जो सरकारें राज की वो क्या सबको फ्री कर रखा था? श्रीवास्तव जी देखिए, अगर बात को आपको बहुत ही लंबा खींचना हो तो फिर आप खींचते रहिए उसको जो है जी। लेकिन अगर जो है नटसल में कोई बात कहनी है, करनी है, अपनी बात भी कहनी है और दूसरे की भी सुननी है, तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के अंदर तो यही है कि जिन भी परियोजनाओं को माननीय उच्चतम न्यायालय ने या जो है हाईकोर्ट ने या फिर जो किसी अन्य न्यायाधिकरण ने निर्देशित किया है, सरकारों ने उनका पालन किया है, और जो योजनाएं गतिमान है उन योजनाओं में अगर पहाड़ में आप जो है कोई योजना बनाएंगे तो भैया पत्थर तो गिरेगा, वो नदी में भी गिरेगा, पेड़ भी गिरेंगे। आप ये कहेंगे साहब जो है चीन भी हम पर आक्रमण न करे और हम सड़क भी ना बनाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इधर चीन है, इधर नेपाल है, कहीं माओवादियों का खतरा है, सीमांत क्षेत्र होते हुए ये आज की नहीं 52 से लगातार ये प्रयास रहा कि जो है जो हमारे सीमांत क्षेत्र के जो संकीर्ण मार्ग है उनको चौड़ा करके जो है सेना के मतलब का, बड़े वायुसेना के मतलब का, फाइटर जेट के मतलब का बनाया जाए इस देश की सुरक्षा को अक्षुण रखने के लिए। अब क्षुद्र राजनीतिक बहस में फंसकर जो है हम इस सारी चीज पर करते रहे तो उसका कोई औचित्य नहीं। राजनीतिक अगर जो है दिशा और दशा भी इन तमाम मुद्दों के रिजल्ट के रूप में आपको देखना हो तो उत्तराखंड में लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को लोग लगातार मत दे रहे हैं, वो नगर निगम में दे रहे हैं, विधानसभा में दे रहे हैं, लोकसभा में दे रहे हैं, छात्र संघ में दे रहे हैं, सहकारिता के चुनाव में दे रहे हैं, दे रहे हैं। आखिर हम गलत होते हैं? दो शब्दों में गलत ढंग से हमने जो है कोई योजना या दो शब्दों में आपको बाहर कर देते। पहाड़ एक देवभूमि है, पहाड़ एक देवभूमि है, पहाड़ देवताओं की भूमि है, शांति के लिए लोग, पूरे विश्व का लोग, दुनिया का लोग, पूरे भारत का लोग एक पहाड़ के अंदर आता है। अगर जो आप ये चाहते हैं कि पहाड़ एक हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 13 जिले एक ऐसे है, 13 भी नहीं 2-4 ऐसे जिले हैं कि जहां हम लोग शांति भी ना प्राप्त कर सके, हम लोग क्या हमारे देश के अंदर पहाड़ के अंदर हम लोग ना आ सके, कोई बाहर का व्यक्ति ना आ सके यहाँ पे शांति के लिए? ऐसा एक बहुत बड़ा नाम है देवभूमि, देवताओं की भूमि है, धारी देवी जैसे मंदिरों को आप लोगों ने तोड़ दिया इन सरकारों ने,
और जितने मठ मंदिर थे सारे टूट गए, गंगा को बर्बाद कर दिया, दोहन कर दिया। पहाड़ में क्यों आता लोग, यहाँ गंगा निकलती है या हिमालय है, उस हिमालय को देखने आता। आप हिमालय को उजाड़ दोगे, आप लोग सब खत्म कर दोगे हमारे पहाड़ का, क्यों नहीं आपने देख लेने चार चार दिन तक, दस दस दिन तक, हिमालय कोई जो है 4 इंच का कोई उसका पत्थर का टुकड़ा नहीं है हमारा। हिमालय सदियों से 4 इंच का नहीं है, हिमालय बहुत बड़ा, उसको हिला दिया उसको, आप लोगों ने हिला दिया उस हिमालय को और हिला के खत्म कर दिया उसको और पूरा पर्यावरण देश का बर्बाद कर दिया। हिमालय से सारा पर्यावरण जाता है, हिमालय से सारे देश के अंदर हवाएं जाती है और हिमालय को पूरा देश, हिमालय को पूरा देश पूजता है, हिमालय को देव भूमि बोलता है। समाप्त हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये हो गया, एक साल कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को, दूसरे साल हो गया ये कोरोना क्यों हो रहा है, ये कोरोना इसीलिए प्रकृति को छेड़ा है, प्रकृति को छेड़ा है मनुष्य को काबू में रखना है, उसको किस प्रकार नियंत्रण में रखना है, सदियों से जारी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं आप ये देखें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आज तरसते हैं इस देश के लोग, चीन के, लेकिन वहाँ छेड़ा नहीं ना, एक उसको मन कर रहा है, वो भी छेड़ा नहीं, छेड़ा यहाँ तक आप मानसरोवर को खराब करके उसको आप प्रगतिवादी विचारधारा की को छोड़कर आप जो है संकीर्णवादी विचार, चीन यहाँ तिब्बत तक जो है आपकी मोनोरेल ले आया, तिब्बत तक वो जो है आपकी मुख्य ट्रेन ले आया, तिब्बत तक आपकी जो है केबल ट्रेन ले आया, आपके तिब्बत के जो ल्हासा शहर को आप देखेंगे महाराज तो आपकी आंखें बड़ी रह जाएंगी। अमेरिका के ऐसे शहर नहीं है चकाचौंध वाले, तो क्या बहानी रह गया, बहानी पड़ेगी खत्म करने के लिए, आज थोड़ा सी भूमि को अपने देश की बचा नहीं रख सकते, प्रदेश के विकास को हम लोग दिल्ली मुंबई कलकत्ता जैसा बना दे, इसको विकास का लाभ न मिले इसलिए बहस करके आप उसको रोक नहीं सकते। हम लोग इसको दिल्ली मुंबई मद्रास चेन्नई ऐसा शहर बनाते क्या, यहाँ पे जनता है फैला दे, यहाँ पे हम कर दे, आप बताइए चाहते हैं आप लोगों ने सड़कों से आच्छादित इस प्रदेश का गांव हुआ तो लोगों को लाभ, 100% आच्छादित यदि बिजली से हुआ तो लोगों को लाभ मिला, आप कहेंगे पानी के लिए सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप चाहे लड़ रहे हैं, आप जब कहीं खोदा होगा तब वहाँ नलका बिछाओ, सिर्फ खोदा होगा तब सिर्फ थोड़ी देर के लिए खोदा होगा तब सड़क हो सकता है, प्रदीप जी को शामिल करते हैं। दरअसल स्थानीय व्यक्ति उनका सुनना जरूरी है, जानना आप लोगों को तो जनता रोज जानती रहती। प्रदीप जी, ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का, उत्तराखंड की बात हमेशा करते हैं हम लोग, हमेशा हर महीने अक्सर सुनते रहते हैं मोदी जी उत्तराखंड के लिए बात करते हैं। बीएसएफ यहाँ पे काम करता था, बीएसएफ ने बहुत सी चीजें ऐसी की थी जो कि मील का पत्थर साबित हो रहा था, उन्होंने सोलर लाइट्स लगाए, वो सारी लाइटें खराब हुई पड़ी है। तो क्या स्थानीय रूप से आपको ये लगता है कि उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकारों को? बिल्कुल, मैं राजनीति किसी भी विचारधारा से परे होकर ये कहना चाहूंगा, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ ही नहीं पूरा उत्तराखंड है, आज गांव गांव सड़क पहुंच चुकी है, गांव गांव लाइट पहुंच चुकी है। लेकिन जो बीएसएफ के द्वारा काम हुआ था 2013 की आपदा में, बहुत ही अच्छा काम हुआ था, अभूतपूर्व काम किया उन्होंने, बहुत ही जोरदार काम हुआ था बीएसएफ के द्वारा जी। लेकिन बीएसएफ के द्वारा उस समय कुछ सोलर लाइटें गांव गांव में दी गई थी, तो हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो लाइटें अगर पुनः रिपेयर या फिर कुछ नई मुहैया कराई जाती है घाटी वासियों को, क्षेत्र वासियों को, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो बहुत स्वास्थ्य ये महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग मुद्दे पे बात कर रहे थे लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय ऐसा भी निकल के आया जो कि हम इस माध्यम से आपकी सरकार को और अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचा भी सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे बीएसएफ ने वहां पे सोलर लाइट लगाई थी, वह बहुत हमारे समझ से लगभग 80% जल नहीं रही है, इसको कैसे देखा जाए? मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, काम नहीं हो पा रहा, हम नए चीजों को करते चले जा रहे हैं, पुराने चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए श्रीवास्तव जी, जो सोलर एनर्जी है और उसको एक वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में जो उत्तराखंड की सरकार देख रही है, और इसलिए इस समय आप ही देखा कि निजी और सरकारी जो उपकरण है उनके माध्यम से करीब 6.5-7 हजार करोड़ की जो है परियोजनाएं चल रही हैं। जो गांव के अंदर मैं खुद जो है देखकर बड़ा मुझे जो है सुखद आश्चर्य हुआ कि
गांव में इस प्रकार हमारे नौजवान जो है सोलर उसका जो है प्लांट लगाए हुए हैं और उस पर जो है एक छोटे से जो है 20 वाट के 40 वाट के 100 वाट के इस तरह के जो प्लांट लगे उन पर 4-5 जो है नौजवान रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जरूर है कि उसमें रखरखाव की जो यात्रा मार्गों पर और यात्रा क्षेत्र में जहां जहां भी जो है ये सब के द्वारा किया गया है वहां पर उसके रखरखाव की भी आवश्यकता है। और ये मेरे संज्ञान में आपकी चर्चा के दौरान ही ये विषय आया है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको जरूर जो है मैं सरकार तक मुख्यमंत्री जी तक और जो संबंधित एजेंसियां हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि यदि ऐसा था तो उसकी जो है यदि मेंटेनेंस की स्थिति में नहीं है तो उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए और आगे भविष्य में थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा। की तरफ से लाइटें मिली है सरकार के द्वारा उरेडा की तरफ से लाइटें मिली है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो बीएसएफ ने दी थी वो वेस्ट पड़ी है, अगर आपके माध्यम से कुछ हो सके तो उनको भी रिपेयर करा दीजिए। बाकी गांव-गांव में उरेडा की तरफ से सरकार की योजना वही मैं कह रहा हूं कि जो एक तो जो संबंधित एजेंसियां हैं वो उनके द्वारा जहां जहां दिया गया और उसमें जो इस तरह की चीजें हैं कि भाई मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो उस पर भी सरकार विचार करे, इस संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे उनको रखेंगे क्योंकि इस समय यात्रा काल चल रहा है। और इस समय करेंगे नहीं सुभाष बर्थवाल जी, कल आप अपने पत्र को लिखिएगा, हम आपसे अगली बार जब आप यहाँ आएंगे तो हम पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी को आपने इस विषय को उठाया कि नहीं। महत्वपूर्ण विषय है, स्थानीय व्यक्ति है, केदार घाटी से आते हैं और अगर इन्होंने ये बात रखी है तो आज की परिचर्चा सार्थक तभी होगी जो वहां की मुख्य कमी है जो उजागर हुई है उस पे हम सुधार की तरफ चले। हम सीधे बात करते हैं भोपाल सिंह जी से। भोपाल जी, अगर मान लीजिए उत्तराखंड जैसे हम लोग देखते हैं, बगल का हिमाचल है, जम्मू है, वहां पे आप सड़कों की स्थिति देखिए, उसी पहाड़ को काट करके बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें की गई है। तो अगर ऑल वेदर वेल रोड की आप बात करते हैं, अगर काम वहां किया जा रहा है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये इस प्रदेश के लिए स्वर्णिम योजना के रूप में होगी ना सर। तो एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो वो हमारे साथ में होया करती थी और वो गंगा की रक्षा, गाय माता की रक्षा करके हमारे जुलूस में जाया करती थी। अभी बीच में दिल्ली के अंदर एक मीटिंग में बैठा हुआ था मैं, तो उस मीटिंग के अंदर हमारे पर्यावरणों की मीटिंग के अंदर भाजपा का कोई व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति थे और बाकी कोई सब लोग नदारद थे। वहां पे कौन लोग थे? सारे कांग्रेस के लोग थे, वो क्योंकि विपक्ष में हो गए आजकल। वो जब भाजपा के थे तब कांग्रेस के नहीं थे, जब कांग्रेस के होते हमारे पास तो होते। मैंने हरीश भाई साहब से सवाल किया कि भाई साहब आप जब सरकार में थे तो भाजपा के लोग यहाँ पे बैठा होया करते थे, पर्यावरण की बात और गंगा की रक्षा की बात क्या करते थे, लेकिन आज यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, आज आप दिख रहे हैं। और एक दिन वो आएगा जब आप सत्ता में होंगे तो भाजपा वाले हमारे साथ में होंगे। गोपाल सिंह चौधरी साहब, उत्तराखंड का या किसी भी प्रदेश का विकास होगा तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान किसी न किसी विनाश हो रहा है। विकास नहीं है, लेकिन विकास विकास नहीं है, विनाश हो रहा है। लेकिन विकास को पहाड़ खत्म विकास के लिए अगर थोड़ा बहुत समझौता करना हो तो आप जैसे पहाड़ के लोगों को विचार उस पर चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद सुभाष बर्थवाल जी, समय की बाध्यता होती है। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद भोपाल जी। देखते रहिए बीएपी न्यूज़।